dentro. शिकायत भी करो दसोंगे भी थोड़ा गुप्त ना रखा जाऊगा अभी तो आजमल की कमेटी मीटिंग सिर्फ सानू बुलाया गया बाद च लास्ट गवर्नर साहब जाते जाते मिले बाकी ना साढ़े कोई सवाल जवाब पूछा ना साड़ी कोई समस्या पूछी गई वैसे गलबात की हुई है अंदर गवर्नर साहब ने की गवर्नर साहब ने मेन जड़ा फोकस सी वो सिर्फ नशे दे प्रति रखे भी बॉर्डर तो जो पाकिस्तान भेज रहा है तुसी सतर्क रहो तो जी पिंड कमेटियां बनाओ तो होर मड़ाओ कमेटियां दा उदो फायदा है जदों तक मतलब सारा सर्व समाज जड़ा है इकट्ठा होकर चलूगा ताई उदा फायदा होगा स्पीच यही सी नशे के खिलाफ सी ते मैं पंजवी बार आ रहा ते गवर्नर तुहानू अज देखण नू मिल रहा है बॉर्डर ते सरकार नू इन्हां ने एक बहुत अहम गल की है डीजीपी साहब नू इशारा करके कहंदे सी भी जिहड़े एमएलए भी इस इहदे विच इनवॉल्व ने चिट्टे नशे च जिहड़ा भी नशे च उन्हां नू फड़ के अंदर दिओ ते उन्हां दा कहण दा की इशारा सी ओह नहीं समझ पाए सी पर उन्होंने डीजीपी नू कहा भी एमएलए जिहड़े हैगे चिट्टा दा सौदागर ने एमएलएयां नू भी विच दिओ तुसी उन्हां नू परचा दे के अंदर दिओ मतलब ओह कहंदे उन्होंने कहा दो अगे नालों वध्या नशा वध्या है पंजाब च जिहड़ी जवानी है बर्बाद हो रही आने वाली नस्ल है जे ये हालात रहने तो आने वाली नस्ल नहीं बचूगी जो पंजाब पंजाब हों पंजाब नहीं रहेगा पंजाब एक साजिश तहत भी नशे डोबिया जा रहा है गवर्नर साहब का अज दौरा सरहद का इलाके जेडे है पहले भी आके गए सी मैं तो इन्होंने दौरिया चंगा ही मानता क्योंकि देखो जदों भी आंदे है प्रशासन उन्हां नाल आंदा है एंड अज नशे की गल करके गए सी प्रशासन जिवें कहिंदे ना दे आर ऑन द टोज वह रिपोर्टां लैंदे रहिंदे चंगी गल है लेकिन सरकार नूं भी इन्हां दा जिहड़ा फीडबैक है उन्हूं जे सही भावना नाल लैओगे ता चंगा ही काम करांगे आपां जिथे चंगा है उन्हूं चंगे नूं चंगा कहांगे माड़े नूं माड़े माड़ा कहांगे लेकिन एक और जिहड़ी गल अज गवर्नर साहब ने जिहड़ी करके गए मैं तो सरकार नूं आई कहना चाहूँगा भी उस गल दा भी जरा ध्यान करो भी उन्हां नूं क्यों आ कहना पै गया भी कानून सारे वास्ते एक है चाहे एमएलए वास्ते चाहे आम नागरिक वास्ते तो इस गल दे उत्ते सरकार नूं गौर करना चाहिए क्योंकि ये जिहड़ी चर्चावां है ये कोई हवा तो नहीं आ रही ये जमीनी जिहड़ी जिहड़े मसले है जिथे भेदभाव हो रहा है जिथे कानून बनाने वाले कानून की उलंघना कर रहे तो ये सरकार नूं इस बारे सोचना चाहिए मैनूं हुणे पता लग्या बट मैं तो हैरान हाँ भी मीडिया नूं क्यों रोकिया गया कोई गवर्नर साहब ने जिहड़ी गल कीती है कोई सीक्रेट तो कोई गल है नहीं ते मीडिया नूं बिल्कुल गवर्नर साहब नाल भी रूबरू कराना चाहिए क्योंकि मीडिया भी कुछ गल्लां जिहड़ी हो सकदा है गवर्नर साहब नूं भी ना पता होवे फाजिलका दी कोई अबोहर दी कोई अपने जलालाबाद दी तुसीं भी उन्हां नूं जागरूक करा सकदे सी ते आई थिंक जे उन्हां ने मीडिया नूं रोकिया गया तां गलत गल है अज साडे माणयोग पंजाब दे गवर्नर साहब आए सी उन्होंने नशे बारे ही सारा कुछ दस्या सानू भी नशा नूं किवें रोकिया जा सकदा है किस ढंग नाल रोकिया जा सकदा है जिहड़े ही अफसरां नूं तुसीं कहोगे वह सारे ढंग किसी तो डरन की लोड़ नहीं नशे नूं कुछ तो रोकदी है आपां जनता ते जनप्रतिनिधि किवें रोक सकदे आ वह भी सारे सवाल कीते गए ये सारे मुद्दों की अज गल हाँ जी सुनिया गया उन्होंने सारे तो पता भी किया सारे आम जनता नूं भी मिले है बॉर्डर बैल्ट होने करके इतने थोड़ा जिहा नशे का प्रकोप ज्यादा है इन्हां ही सारे मुद्दों से गवर्नर साहब ने साडे नाल गल की और असीं जो भी गल्लां सी उन्होंने सामने रख दित्तियां मीटिंग च सिर्फ सानू बुलाया गया बाद च लास्ट गवर्नर साहब जाते जाते मिले बाकी ना साडे तों कोई सवाल जवाब पूछा ना साडी कोई समस्या पूछी गई वैसे गलबात की हुई है अंदर गवर्नर साहब ने की गवर्नर साहब ने मेन जिहड़ा फोकस सी ओह सिर्फ नशे दे प्रति रखे भी बॉर्डर तो जो पाकिस्तान भेज रहा है तुसी सतर्क रहो तो जी पिंड कमेटियां बनाओ तो होर मड़ाओ कमेटियां दा उदो फायदा है जदों तक मतलब सारा सर्व समाज जिहड़ा है इकट्ठा होकर चलूगा ताई उहदा फायदा होगा स्पीच यही सी नशे के खिलाफ सी ते मैं पंजवी बार आ रहा ते गवर्नर तुहानू अज देखण नूं मिल रहा है बॉर्डर ते सरकार नूं इन्हां ने एक बहुत अहम गल की है डीजीपी साहब नूं इशारा करके कहिंदे सी भी जिहड़े एमएलए भी इस इहदे विच इनवॉल्व ने चिट्टे नशे च जिहड़ा भी नशे च उन्हां नूं फड़ के अंदर दिओ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਐਮਐਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸੀ ਐਤਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ।